नमस्ते नमस्ते मेरे प्यारे सोल फैमिली के मेंबर्स, आप सब अच्छे हों यही शुभकामना मैं करती हूँ। आई होप आप इस रीडिंग से कुछ गाइडेंस लेके जाओ आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स को। आज मैं बताने वाली हूँ, मैं आपको ये भी बताऊँगी कि आप दोनों के बीच में क्या चल रहा है, आप दोनों की फीलिंग्स इस समय कैसी है, आप दोनों ही एक दूसरे के बारे में क्या सोच रहे हो, क्या चल रहा है, क्या थॉट्स है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं बताने की कोशिश करूंगी। रीडिंग में लास्ट तक बने रहना, पूरी रीडिंग को देखना, बीच में से मत जाना फिर, क्योंकि कमेंट्स आते हैं, मैम आपने राशि नहीं बताई, ये वो सब कुछ मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। जो भी गाइडेंस मुझे मिलती है रीडिंग पे मेरा साथ दीजिए, रीडिंग में बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं, बहुत डिटेल में बताने वाली हूँ। रीडिंग अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करके जाना, गाइडेंस चाहिए तो, और जो चीज़ रेजोनेट करेगी उसका भी आपको फीडबैक तो देना ही है। कमेंट सेक्शन में कार्ड्स आने शुरू हो गए हैं, ठीक है। ओ माय गुडनेस, दो कार्ड्स और चाहिए हमें, एंजल्स हमारी मदद कीजिए। दो कार्ड्स और मैंने ले लिए हैं। ये आपकी रीडिंग का पूरा स्प्रेड हुआ, मैं आपको बताती हूँ करंटली क्या चल रहा है। यहाँ पे देखिए, आप जिस किसी के भी साथ इन्वॉल्व हो, जिसके बारे में आप सोच रहे हो ना, वो पर्सन बहुत मनमौजी किस्म का लग रहा है मुझे। मेल हो सकते हैं, फीमेल हो सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे वाटर साइन, यहाँ पे एयर साइन मुझे सबसे ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। ये इंसान इस वक्त एक ऐसे सिचुएशन में फंसा हुआ है जहाँ ये अपने आप को आज़ाद करने के लिए बहुत ज़्यादा डेस्परेट दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि इन्होंने जो मन में ठान लिया ना, अपनी ये पर्सन किसी भी हालत में करके रहेंगे। काफ़ी टाइम से इनके मन में, एक तरीके से ये बोल सकते हो कि सेल्फ लव बहुत ज़्यादा जागा है। इनको ऐसा लगता है कि जो ये करना चाहते हैं अपने दिल की, ये करते नहीं हैं, दूसरे की ज़्यादा सुनते हैं, ठीक है। इस वजह से आज का पूरा टाइम ये पर्सन अपने आप को देने की सोच रहे हैं। ये मान लो फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल इन्होंने ये सोचा है, जिस चीज़ से इनको खुशी मिलेगी ना, वो वही चीज़ करने वाले हैं, ये किसी की सुनने नहीं वाले। द चैरियट की एनर्जी आ गई है, मतलब अपनी लाइफ का जो कंट्रोल है ये इंसान खुद लेना चाहता है। जो इनको अच्छा लगता है वो ये इंसान खुद करना चाहता है। इस समय आपको लेके ये पर्सन थोड़ा सा मुझे डिप्लोमेटिक होता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है ना। सरेंडरिंग वाली एनर्जी में नहीं है ये पर्सन। होता यूँ है जब इंसान को अपनी करनी होती है और उसको लगे कि उसको कोई रोक रहा है, तब इंसान ना बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो जाता है। वही एनर्जी आपके पर्सन की है, काफ़ी डिफेंसिव लग रहे हैं। मतलब इनके मन में चल रहा है, किसी को अच्छा लगे तो लगे, किसी को बुरा लगे तो लगे। हो सकता है कि अगर ये अपने मन के अनुसार कुछ बोलने लगे, एक्शन लेने लगे या अपनी मन की करने लगे, तो बहुत सारे लोग इनसे नाराज़ हो जाएंगे, बहुत सारे लोग खफा भी हो सकते हैं। बट ये ऐसे डिफेंसिव एनर्जी में है कि अगर मेरा मन करेगा तो मुझे ये चीज़ करनी है, मेरा मन नहीं करेगा तो मुझे ये चीज़ नहीं करनी। मतलब अभी किसी के सुनने के मूड में नहीं है आपके पर्सन। अच्छा बुरा ये अपना खुद जानते हैं, डिसीजन इन्होंने बहुत सारे अपने लिए हैं, ठीक है। अब ये पर्सन क्या कर रहा है इमोशनली किस हालत में, हम देख लेते हैं। एट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आप खुद देख लो। एट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, एक तरीके से ये पर्सन ना अपने आप को बहुत ही ऐसी नज़र से देखता है कि इनके साथ बहुत कुछ बुरा हुआ है, बहुत विक्टिमाइजिंग नहीं, विक्टिम एनर्जी नज़र आ रही। विक्टिमाइजिंग मतलब किसी और को विक्टिमाइज करना, ऐसा नहीं सोच रहे हैं। इनको ऐसा लगता है इन्होंने ना दूसरों की खुशी के लिए अपनी खुशियों का बहुत ज़्यादा त्याग कर दिया है। और ये अब से नहीं है, काफ़ी पुरानी बात हो सकती है।
जहाँ जहाँ ये पर्सन हर्ट हुए हैं, जहाँ जहाँ इस पर्सन ने अपने दिल की नहीं की है या फिर अपने दिल की नहीं सुनी है, वहाँ वहाँ ये पर्सन शायद मेमोरीज़ को, चीज़ों को बहुत ज़्यादा इकट्ठा कर रहे हैं अपने दिमाग में, और अब ये चाहते हैं कि काश ये उस टाइम बहुत ज़्यादा करेज होता, काश ये इस टाइम थोड़ा सा बोल्ड होते, काश ये उस टाइम थोड़ा सा अगर ऐसा होता कि हाँ अपना स्टैंड ले पाते, तो इनको ऐसा लगता है कि इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा खुशनुमा होती, बहुत ज़्यादा अपने ड्रीम्स को, अपने पैशन को ये इंसान फॉलो कर रहा होता, या फिर अपनी गलतियों के लिए खुद ज़िम्मेदार होता। ठीक है, तो इनको ऐसा लगता है कि इनके आसपास वाले लोगों ने, और इनफैक्ट आपने भी इस इंसान को बहुत ज़्यादा दर्द दिया है, इस इंसान को बहुत ज़्यादा सुइयां चुभोई हैं, इनको ऐसा लगता है। और ये जो सोर्ड्स वाली एनर्जी है, इससे साफ पता चलता है ये अपनों के बारे में सोच रहे हैं। आपके साथ इनका रिलेशनशिप रहा है तो ये आपके बारे में सोच रहे हैं। अगर यहाँ पे इनकी फैमिली आप दोनों के बीच में एक दीवार की तरह आई है, तो ये अपनी फैमिली के बारे में भी सोच रहे हैं। ठीक है ना, पास्ट की सारी चीज़ों को इकट्ठा करके ये पर्सन अब सोच रहे हैं कि मेरे आसपास वालों ने ही मुझे बहुत ज़्यादा दुख दिया है, जाने अनजाने में जितनी बातें ये बोल नहीं पाए हैं ना, वो दिल ही दिल में दोहरा रहे हैं, उन बातों को बार बार रिपीट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं आपके पर्सन। मतलब ऐसा लग रहा है कि इनको कि अब ये किसी की बात नहीं मानेंगे, अगर कोई चीज़ इनको सही लगती है तो वही चीज़ करेंगे। बट सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है, आपके रिलेशनशिप में मूवमेंट क्यों नहीं हो रहा है, यही जवाब जानना चाहते हो ना कि ये पर्सन सोच क्या रहा है, इतना ठहराव क्यों है, किस बात का इस पर्सन को वो है कि ये पर्सन आपसे ना मिलने आता, ना बोलने आता, ना कुछ आपको बताता। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ रीज़न क्या है। एट ऑफ जो सोर्ड्स है हमें ये भी बताने की कोशिश कर रहा है, ये पर्सन कहीं ना कहीं कार्मिक सिचुएशन से गुजर रहा है। तो मैं आपको ये बोलना गलत नहीं होगा कि ये पर्सन अपने साथ होने वाले जो दुख है, अपने साथ होने वाले जो नाइंसाफी है, इनजस्टिस है, जो आउच, इट्स सो पेनफुल पेन है ना, वो उसका खुद ही जिम्मेदार है कहीं ना कहीं। क्योंकि ये एनर्जी मुझे ये बता रही है, जानबूझ के इस पर्सन ने ना पास्ट की मेमोरीज से खुद को इतना ज़्यादा जकड़ा हुआ है। देखो, खुद ही इस इंसान ने अपने आप को रस्सियों में, अपने दुखों में, अपने बुरे टाइम्स में इतना ज़्यादा जकड़ा हुआ है कि इंसान खुद को ही आज़ाद करने की कोशिश नहीं कर रहा है। मतलब खुद ही एक्टिवली खुद को लेट गो वाली एनर्जी में लाने की कोशिश नहीं कर रहा है, खुद ब खुद अपने आप को आज़ाद करने की कोशिश नहीं कर रहा है। इनको ऐसा लगता है कि इनके साथ जो हार्ट ब्रेक हुआ है, जो ब्रेकअप हुआ है, और ब्रेकअप के बाद जिस पेन से ये इंसान गुज़रा है, वो पेन इतना ज़्यादा है कि ये किसी को एक्सप्रेस नहीं कर सकते, वो पेन इतना ज़्यादा है कि वो किसी से शेयर नहीं कर सकते। और इनफैक्ट इट्स अबाउट द पीपल, यहाँ पे दो अगर आप देखोगे, दो फिगर है, इसका मतलब ये है कि बहुत सारे लोगों को ये ब्लेम कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों की एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है। इसका मतलब साफ है, ठीक है, इसका मतलब साफ है कि ये बहुत लोगों से बहुत एक्सपेक्ट करते रहे हैं आपके पर्सन, लेकिन इनको ये लग रहा है कि ज़रूरत के टाइम पर इन्होंने बहुत लोगों को हेल्प की है, बहुत लोगों को प्यार दिया है, पर इनके साथ वो चीज़ सेम ट्रीटमेंट नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें इनके साथ नहीं हो पाई है, कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें रह गई हैं। ठीक है, तो ये पर्सन अब जो, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अब अगर ये सच्चाई नहीं है, अगर ये काफ़ी सालों पहले की भी बात है ना, सेम आपके रिलेशनशिप में मुझे दिखाई दे रहा है, ये इंसान अगर बहुत साल पहले भी हर्ट हुआ है आपकी किसी बात से, वो इंसान उस चीज़ को लेके बैठा हुआ है, वो इंसान बिल्कुल भी ये नहीं सोच रहा है कि इस बात को तो काफ़ी टाइम हो गया है, खुद को ही आज़ाद नहीं कर रहे हैं उस पेन से, इसलिए इस पर्सन का साइलेंस आपको मिल रहा है, बहुत ज़्यादा साइलेंट ट्रीटमेंट आपको इस पर्सन का मिल रहा है। जैसे कि मैंने बोला कि पास्ट की एनर्जी बहुत ज़्यादा है इस पर्सन के जहन में, कोई भी बात ना ये इंसान अच्छे से या फिर बहुत जल्दी भूल नहीं पाता,
दिमाग में चलती रहती है चलती रहती है। इसीलिए ये पर्सन बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग का शिकार है, और यही वजह है कि ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा साइलेंट ट्रीटमेंट अभी दे रहा है, काफ़ी ज़्यादा साइलेंट ट्रीटमेंट है। फाइव ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आप खुद ही देख लो, पता चल रहा है यहाँ पे आपके पर्सन ने हमेशा जीतना ज़रूरी समझा है। अगर ये पर्सन किसी बहस में या फिर आपसे किसी आर्ग्यूमेंट में नहीं जीत पाया तो इस पर्सन ने उसको अपनी हार की तरह देखा है। यही हो रहा है आपके साथ भी, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन आपको कभी मनाने नहीं आए, मतलब जब जब आपने पीछे मुड़ के भी देखा है कि ये पर्सन शायद समझे कि आपको बहुत तकलीफ़ हुई है, इनके बोले हुए शब्दों ने आपको बहुत ज़्यादा ठेस पहुंचाई है, चाहे आपने कभी अपने परिवार के बारे में सुना हो, खुद के ऊपर इन्होंने हो सकता है गुस्से में आपक हो के उंगली उठाई है, काफ़ी ज़्यादा इन्होंने सिचुएशन को बुरा कर दिया आपके बीच में। लेकिन हर बार मुझे ऐसा लगता है कि आप ही हो जो रेस्क्यू करने के लिए आए हो, हर बार ऐसा लगता है कि आप ही हो, आपने इनको बचाया है, आपने इनको संभाला है, आपने मतलब जैसे कहते नहीं खुद रूठने के बाद लेकिन आपने फिर से इनको मनाया है, ठीक है। ऐसा लगता है कि आपकी तरफ से यहाँ पे बहुत ज़्यादा एफर्ट्स है, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स है, तो आप पीछे मुड़ के देखते रहे हो, आपने इस इंसान का बहुत ज़्यादा वेट किया है, बहुत ज़्यादा इंतज़ार करते हुए आप अभी भी मुझे नज़र आ रहे हो। इनफैक्ट सबसे पेनफुल बात तो यही है, सबसे पेनफुल बात यही है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी आप इस रिश्ते को संवारने के लिए रेडी हो। अब आपकी तलवार मुझे ऐसे दिखाई दे रही है कि आप अभी भी कहीं ना कहीं रेडी हो, ठीक है, कहीं ना कहीं आप अभी भी रेडी हो कि ये इंसान अगर आपको एक मौका देता है, ये इंसान अगर आपके रिश्ते को एक मौका देता है तो अभी भी इम्प्रूवमेंट हो सकती है, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं अभी भी इस रिश्ते से, इस पर्सन से एक्सपेक्टेशंस है, नॉट गोइंग टू लाई, आपको अभी भी इस पर्सन से एक्सपेक्टेशन है कि अगर ये चाहें तो चीज़ों को सही कर सकते हैं। अगर आप देखोगे कि ये चीज़ों को सही कर सकते हैं, आप इनको बहुत आसानी से मतलब कबूल कर लोगे, ठीक है, बहुत आसानी से आप इनको अपना लोगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज़ में, काफ़ी टाइम आप देने के लिए रेडी हो इस पर्सन को, आप अपॉर्चुनिटी देने के लिए रेडी हो इस पर्सन को, ठीक है ना। पर अगर आप ध्यान से देखोगे, इन्होंने आपकी तरफ पीट कर रखा है और इनको ऐसा लगता है कि इनसे कोई गलती नहीं हुई है, ठीक है, इनको ऐसा लगता है कि इनसे कोई भी मिस्टेक नहीं हुई है जिसके ऊपर ये आपसे बात करे। इस इंसान को अपनी गलती नहीं दिखाई दे रही है, ये अभी ऐसी चीज़ में है जहाँ पे इनको ऐसा लगता है कि इनको अपने आप को बचाना है, अपने आप को ही बचाना है, ठीक है। क्या चल रहा है इनके दिल और दिमाग में, मैं आपको डिटेल में बताने की कोशिश कर रही हूँ। और ऐसा भी लग रहा है कि ये ना इंसान इस समय अपनी गलतियों को छुपाने की कोशिश बहुत ज़्यादा कर रहा है। ये इंसान मतलब इस चीज़ को नहीं सोच रहा है कि सामने वाले को कितना बुरा लगा है। ये इंसान सिर्फ अपनी नज़र से देख रहा है इस समय इस रिश्ते को, अपने पर्सपेक्टिव से देख रहा है। इन्होंने मतलब आपके बारे में अगर सोचा होता तो इनको समझ आता कि दोनों तरफ ही, दोनों को ही सेम अमाउंट में बुरा लगा है, दोनों की तरफ से सेम ही हर्ट है। क्योंकि आपकी रीडिंग देख के मुझे ये पता चल रहा है, दोनों ही ना एक दूसरे को भुला नहीं पाए हो, इतना होने के बावजूद ना दोनों ही कहीं ना कहीं एक दूसरे का इंतज़ार अभी भी करते हो, पीछे मुड़ के देखते हो। आपको ऐसा भी लगता है कि काश कोई बदलाव हो जाए या कोई जादू की छड़ी घूम जाए और इस इंसान को ऐसा लगे कि ये सब पीछे छोड़ कर ना आगे बढ़ना चाहिए। अभी मैं देख रही हूँ जजमेंट की एनर्जी और यहाँ पे एट ऑफ कप्स की एनर्जी। ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं है कि किस्मत ने आपको मौका नहीं दिया है, ऐसा नहीं है कि इस पर्सन को मौका नहीं दिया है, ठीक है, इस पर्सन को भी बहुत मौके दिए हैं, आपको भी बहुत मौके दिए हैं। मतलब ऐसा लग रहा है दोनों आमने सामने होकर भी ना
रुक जाते हो। दोनों आमने सामने होकर भी ना एक दूसरे को अगर देख भी लेते हो, ठीक है, फिजिकल डिस्टेंस यहाँ पर है, पर मेंटली इतना ज़्यादा एक दूसरे के साथ मुझे लग रहे हो कि एक दूसरे को देख भी लेते हो, कहीं ऑनलाइन देख लेते हो या सामने सामने भी देख लेते हो। आपका हाथ नहीं जा रहा है खुद से इनसे बोलने से, बोलने के लिए मतलब, और ना ही वो कोशिश कर रहे हैं सामने से। तो आपने आप दोनों ने ही ना खुद की कोशिशें खुद ही रोकी हुई है, और कुछ ना कुछ आपने बहाना दिया हुआ है, कुछ ना कुछ बोला हुआ है कि नहीं अभी उलझने हैं या इस पर्सन को मेरी बात समझनी चाहिए। अब दोनों ही तरफ से ना बुरा नहीं चाह रहे हो किसी का भी, कोई किसी का बुरा नहीं चाह रहा। हाँ, लेकिन आपके पर्सन मुझे डिफेंसिव एनर्जी में ज़रूर नज़र आ रहे हैं, मतलब कुछ ऐसा बोल देते हो या कुछ ऐसे करते हो कुछ भी, तो कहीं गलत फहमियाँ ना बढ़ जाए बहुत ज़्यादा आपके रिश्ते में, ठीक है, गलत फहमियाँ ना बढ़ जाए। दूसरी चीज़, इस रिश्ते में मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन ने ना आपसे किसी थर्ड पार्टी को लेके कोई बात छुपाई हुई है, और ये हो सकता है कि थर्ड पार्टी से इमोशनली अटैच हुए हैं आपके पर्सन, ठीक है, और ये बात छुपाने की कोशिश की है इस पर्सन ने। साफ लग रहा है कि ये पर्सन थर्ड पार्टी से अटैच हुए हैं एक टाइम पर, और लेकिन ऐसा कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन नहीं दिखाई दे रहा है, पर ये बात इन्होंने छुपाई है आपसे, बिल्कुल छुपाई है। और ऐसा लग रहा है कि आपको जैसे ही पता चला, अगर आप इस बात पर रूठ के गए हो तो भी ये पर्सन आपको मनाने नहीं आया। जजमेंट की एनर्जी साफ बता रही है कि ना ये जो सच है ना वो बहुत जल्दी आपके सामने क्लैरिटी के रूप में आने वाला है। बहुत जल्दी आप ऐसा महसूस करोगे कि इस पर्सन ने ना आपको बहुत ज़्यादा अंधेरे में रखा है, और हो भी सकता है कि कुछ ऐसी बातें भी हों जो आपको बिल्कुल भी पता नहीं है। थ्री ऑफ कप्स की एनर्जी, ऐसा लगता है कोई सेलिब्रेशन हो रहा है, ऐसा लगता है कोई विनिंग होने वाली है, कोई पार्टी ऐसे जीतने वाली है, ठीक है, और ये इस इंसान ने पीट कर रखा है, मतलब ऐसा लग रहा है ना आप दोनों में से कोई भी जीतता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है, आप दोनों में से कोई भी जीते ना, मुझे ऐसा लगता है जो भी जीतेगा ना इस रिश्ते के लिए ये एक बहुत ज़्यादा, एक बहुत बड़ा मतलब ट्विस्ट बोल लो या टर्निंग पॉइंट लेके आने वाला है। ये जो सेलिब्रेशन मुझे दिखाई दे रहा है थ्री ऑफ कप्स की एनर्जी से, ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल कि जो थर्ड पार्टी के साथ आपको लगता है कि शक है या कुछ है, थर्ड पार्टी को भी एहसास हो गया हो कि आप दोनों ही एक दूसरे के लिए बने हों। क्योंकि अगर मैं आपको ध्यान से रीडिंग देख के बताऊं, ये दोनों लाइक है और ये अनलाइक है, ये ऑड वन आउट है, ये थर्ड पार्टी है और ये आप दोनों हो। हो भी सकता है कि थर्ड पार्टी ही आप दोनों के मिलन की वजह बने, हो भी सकता है, इसमें कोई दुराहे नहीं है। या तो थर्ड पार्टी का जितना भी मतलब काला साया जैसे ही हट रहा है इस रिलेशनशिप में, आप दोनों साथ आ रहे हो, इसमें भी थर्ड पार्टी का हाथ है, मतलब थर्ड पार्टी की वजह से ही तो आप दोनों क्लोज आए, जैसे ही ये सब क्लियर हो गई है। ये भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी ही वजह बने, थर्ड पार्टी खुद ही आके आप दोनों को मिलाने लग जाए, और ऐसा मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा चांसेस है आप थर्ड पार्टी की वजह से मिलोगे। कोई तरीके की गलत फहमी सामने आते हुए दिखाई दे रही है, किसी तरीके की गलत फहमी क्लियर होते हुए नज़र आ रही है। एंजल्स हमें थोड़ी क्लैरिटी दे, मैं कार्ड और ले लेती हूँ। सी, यहाँ पे सेवन ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई। देखो, जिस कप की वजह से आप बहुत ज़्यादा उदास होकर इस रिलेशनशिप में थे, आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही थी, वही कप यहाँ पे क्लैरिटी देता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। आपको ऐसा भी लग रहा है कि ये पर्सन आपसे इसीलिए बात नहीं कर रहे हैं, ये पर्सन आपको इसीलिए थोड़ा सा इग्नोर भी कर रहे हैं, क्योंकि ये भी हो सकता है कि इनकी लाइफ में इस समय किसी और का आना जाना हो, इनकी लाइफ में इस समय किसी और का इन्वॉल्वमेंट हो, और ये पर्सन उन सब चीज़ों की वजह से आपसे बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन उन सब चीज़ों की वजह से आपको अवॉइड कर रहे हैं, ये पर्सन उन्हीं लोगों की वजह से आपसे ज़्यादा क्लोज नहीं आ रहे हैं। ठीक है, आपके मन में कई ज़्यादा सवाल है इस पर्सन को लेके, आपके मन में काफ़ी ज़्यादा सवाल है, काफ़ी ज़्यादा सवाल है। आपको ऐसा भी लगता है कि
पता नहीं ये पर्सन आपके पीठ पीछे क्या कर रहे हैं, पता नहीं ये पर्सन क्या बोलना चाहते हैं, जो ये दिखाते हैं वो सच है या फिर जो ये छुपाते हैं वो सच है। देखो आप दोनों के बीच में मुझे 1-to-1 कन्वर्सेशन होती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। दोनों तड़प रहे हो, दोनों ही एक दूसरे के साथ के लिए तड़प रहे हो, ठीक है। अगर ये इंसान प्यार से आपको हेलो भी बोल दे, अगर आपको प्यार से हाय भी बोल दे, आपके लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। आप ये नहीं चाहते कि बस बहुत ज़्यादा प्यार की बात हो, आप ये नहीं चाहते कि बहुत ज़्यादा नफ़रत की बात हो, आप बस ये चाहते हो कि दोनों के बीच में जो काले बादल है ना वो छंट जाए, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि इनकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे जने हैं जिसकी वजह से ये पर्सन एंटरटेन रहते हैं। हो सकता है कि उनकी वजह से ये पर्सन आपके पास आते नहीं हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं। लेकिन मैं आपको बता दूँ, 3 of Pentacles की एनर्जी से साफ पता लग रहा है, ये बात तो बिल्कुल क्लियर है, आने वाले टाइम में ना ये पर्सन कहीं से रिलेशनशिप की काउंसलिंग या एडवाइस किसी एक्सपर्ट से पूछते हुए नज़र आ रहे हैं। क्योंकि इस अधूरे रिलेशनशिप को लेके, ठीक है, इस अधूरे रिलेशनशिप को लेके आपके पर्सन के मन में कंसर्न तो है, इस अधूरे रिलेशनशिप को लेके आपके पर्सन खुश नहीं हैं। इनको नहीं लगता कि जो इन्होंने किया है आपके साथ, इनको नहीं लगता कि जो इन्होंने आपको सफ़र करवाया है या फिर ये जो रिलेशनशिप आधा रहा है ना, उसका जवाब ये भी सोचने की या ढूंढने की कोशिश तो ज़रूर कर रहे हैं। बहुत जल्द आप देखोगे ना, मतलब इनको मैं थेरेपी लेते हुए भी देख रही हूँ, किसी बड़े से, ठीक है, किसी नॉन व्यक्ति से एडवाइस लेते हुए देख रही हूँ। इट्स लाइक ये जो सच है इनके गले से नहीं उतर रहा, भले ही आपको ना बताए, अपने फीलिंग्स को लेके ओपन अप ना हो, ठीक है, बट इतना तो मान लो कि काफ़ी ज़्यादा ये सोच में पड़ गए हैं अपने फ्यूचर को लेके, ठीक है। कि इंसान देखो एट द एंड ऑफ द डे ना, हर कोई स्टेबिलिटी चाहता है, एट द एंड ऑफ द डे हर कोई ये चाहता है कि उनके साथ अच्छा हो, हर कोई ये चाहता है कि वो अच्छे से रहें, उनको एक अच्छा पार्टनर मिले, लविंग पार्टनर मिले। और करेंटली ना आपके पर्सन क्यों हेल्प सीक करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि आपके पर्सन को कि इनका ना प्यार, सो इनको ये भी लगता है कि ना इनकी किस्मत बहुत ज़्यादा ख़राब है, इनको ये भी लगता है कि प्यार में इनका हाथ बहुत ज़्यादा तंग है, इनको ये भी लगता है कि काफ़ी ज़्यादा कोशिश करने के बाद भी ना इनका प्यार में भला नहीं हो पाया, इनका अच्छा नहीं हो पाया। तो ऐसा लगता है कि रेत की तरह समय फिसलता जा रहा है और आपके पर्सन को वो चीज़ नहीं मिल रही है, वो चीज़ इनके पास नहीं है जो ये हमेशा से रखना चाहते थे। पता है ये जो चीज़ आ रही है ना इनके पास कि अपनी लाइफ का ये खुद कंट्रोल लेंगे, कहीं ना कहीं इस वजह से भी रिग्रेट आ रहा है, क्योंकि इनको अफसोस है कि इन्होंने ना आपको वक्त रहते रोका नहीं, इनको अफसोस है कि कहीं ना कहीं इन्होंने बहुत देर कर दी और इनको कोई बताने वाला भी नहीं था, ना एक उचित गाइडेंस देने वाला भी नहीं था, ठीक है। तो एक तरीके का अफसोस भी रहता है और ऐसा भी लगता है कि जो हुआ इनकी आंखों के सामने वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, ठीक है। जो भी हुआ इनकी आंखों के सामने वो कहीं ना कहीं इतना बुरा था कि आपके पर्सन को लगता है ये सेपरेशन ना अभी भी एक एक नाइटमेयर है, ये सेपरेशन अभी भी काफ़ी पेनफुल रहा है इस पर्सन के लिए, कि ये उस एक्सपीरियंस को भूल नहीं पा रहे हैं, ये उस एक्सपीरियंस को हर रोज़ जी रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि ये जो सेपरेशन है इनको आगे भी मूव ऑन करने नहीं देगा, ठीक है। ये जो सेपरेशन है वो कहीं ना कहीं इनकी मेंटल हेल्थ पे भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डाल रहा है, कि हर डिसीजन पर इनको अपने डाउट होता है। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप काउंसलिंग, थेरेपी या ऐसे ले लो,
ये पर्सन स्पिरिचुअलिटी में आना चाह रहा है, उसके लिए ये किसी एक्सपर्ट या गुरु से कंसल्ट करते हुए दिखाई दे रहा है, ओवरऑल ये आपके साथ ना अपने रिश्ते को कड़वे नहीं करना चाहते। सौरव है इनके मन में बहुत ज़्यादा, वो जो पेन है ना इनको किसी और रिलेशनशिप में जाने नहीं देता, ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में नहीं है ये किसी के साथ। और ये जो सेलिब्रेशन दिख रहा है ना, ये कार्ड इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ऐसा लग रहा है कि आप दोनों ही ना बहुत जल्दी ना एक बहुत गुड न्यूज़ को आपस में शेयर करने वाले हो। ऐसा लगता है कि जो भी फाइट थी, जो भी इशू है ना, वो मुझे धीरे धीरे एंड होता हुआ नज़र आ रहा है, फेड होता हुआ नज़र आ रहा है, रिजॉल्व होता हुआ नज़र आ रहा है। आपका रिलेशनशिप बहुत हेल्दी होता हुआ नज़र आ रहा है, इवॉल्व होता हुआ नज़र आ रहा है, जहाँ ऐसा लग रहा है कि पुरानी चीज़ों का कोई असर ही नहीं है। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि पुरानी चीज़ें भूलना आप दोनों के लिए मुश्किल नहीं है, आसान है, लेकिन वो चीज़ अभी हो नहीं पा रही है। ठीक है, इसीलिए आपको मुश्किल लग रहा है, पर ऐसा लग रहा है कि आप बहुत जल्दी ना एक ऐसा डिवाइन कनेक्शन एक्सपीरियंस करने वाले हो। जैसे ये फॉर एग्जांपल ये पर्सन अगर थेरेपी ले रहा है ना, तो ये अपने जितने भी पास्ट की एनर्जी और जो विक्टिम एनर्जी जब वो रिलीज़ करके आपके पास आ रहा है, इट्स लाइक अ न्यू रिलेशनशिप। ठीक है, इट्स लाइक पुरानी चीज़ों को इन्होंने लेट गो कर दिया है, जो चीज़ें इनके काम की नहीं हैं, और जितनी भी नई चीज़ें हैं जो आप दोनों के लिए एक्चुअल में हेल्प कर सकती है, वो ये पर्सन अपनाते हुए नज़र आ रहे हैं, है ना। ऐसा लगता है कि इन्होंने अपने पास्ट को एक्सेप्ट कर लिया है, और बाकी सारी चीज़ें जो आपके रास्ते में आ रही है ना, वो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा दुश्मन है इनकी, जो भी चीज़ें आपसे रोकने के लिए मिल रही हैं। तुला, कुंभ, मीन, कन्या, मकर, सिंह, धनु, वृश्चिक, कर्क, मिथुन, वृषभ और मेष, सारी राशियाँ मुझे यहाँ पे प्रेजेंट नज़र आ रही हैं। ठीक है, सारी की सारी राशियाँ। आपके पर्सन को भी तकलीफ है कि ये अपने पास्ट को क्यों नहीं बुला पा रहे हैं। ये पर्सन कहीं ना कहीं अगर बहुत ज़्यादा सोचने वाला व्यक्ति है तो अपने ही थॉट्स में उलझा जा रहा है। ऐसा लगता है सॉल्यूशन की ओर जाते हैं लेकिन ये अपने ही थॉट्स में डिसॉल्व हो जाते हैं। कहाँ खो जाते हैं पता ही नहीं चलता, कहाँ चले जाते हैं पता ही नहीं चलता। तो ये अपने आप को आंसर करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को समझने की कोशिश कर रहा है ये इंसान, इसीलिए मुझे बहुत ज़्यादा समय लेता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, देर इज़ सम गिफ्ट, ऐसा लगता है कि दिस इज़ अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। मतलब ऐसा लगता है कि ये होना लिखा ही था, ये फेज़ आप दोनों को देखना ही था। ठीक है, किस्मत में लिखा गया था कि अलग होगे तभी तो करीब आओगे। मतलब आपने बहुत कुछ सीखा ना इस रिश्ते से, और आपने ये भी सीखा कि इस रिश्ते में क्या करना है क्या नहीं करना। वही एनर्जी मुझे महसूस हो रही है कि टाइम बहुत लंबा खिंच गया है, लेकिन बहुत लंबे इंतज़ार के बाद ना आपको बहुत ज़्यादा सुख प्राप्त होगा। ठीक है, ऐसा लगता है बहुत लंबे इंतज़ार के बाद आपकी लाइफ में आप फाइनली खुशियों का वेलकम करोगे जब आप उम्मीद छोड़ चुके हो। आप मन ही मन गाइज, आप झूठ मत बोलना, आपको कभी कभी ये भी लगता होगा कि इतनी खुशी मेरे नसीब में कहाँ, मैं तो ये डिज़र्व नहीं करता या मैं तो ये डिज़र्व नहीं करती। हो सकता है कि आपके मन में ये बात लाखों बार आई हो, लेकिन मुझे लगता है कि आपको खुद ही ब्लॉकेज नहीं बननी, आपको रिसीविंग एनर्जी में बनना है, रिसीविंग एनर्जी में लेना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी के पास हैं या आपके अलावा बहुत लोगों के साथ है, आप इतना स्ट्रेस लेके उसी एनर्जी को क्यों अट्रैक्ट कर रहे हो, है ना। आपको अपनी लाइफ का चार्ज लेना है। ठीक है, जो आता जा रहा है सामना करना है। जब इतना फेस कर लिया है, आगे के लिए आप बहुत, मतलब इतनी बड़ी बड़ी चीज़ जब आप सह गए हो, टॉलरेट कर गए हो, आगे के लिए आपके लिए बहुत आसान है। ठीक है, किसी भी समस्या से आप मुझे बहुत अच्छी तरीके से लड़ते हुए नज़र आ रहे हो। मतलब आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये कनेक्शन। अगर आपने अपने कनेक्शन से इतनी दूरी बना ली और इतना अपने इंतज़ार कर लिया है, आगे के लिए मैं आपको इतना ज़्यादा स्ट्रगल करते हुए नहीं देख रही हूँ। इनफैक्ट ये टाइम में आपके पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। ठीक है,
हैरान मत होना अगर ये पर्सन आपको अचानक से कॉन्टैक्ट करते हैं, हैरान मत होना कि अगर ये पर्सन आपको अचानक से कुछ बोल देते हैं, कुछ प्यारा सा बोल देते हैं, क्योंकि ये जो चीज़ है उससे ये डील करने की कोशिश कर रहे हैं। मेंटली अपने आप को बहुत ज़्यादा आज़ाद करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बस ऐसे नहीं आना चाहते कि आपके पास आए, बोझ की तरह आपके ऊपर चढ़ जाए, नहीं। जब तक इंसान खुद को आज़ाद ना करे, अपनी ही नज़र में इंसान चेंज ना हो, इंसान कैसे किसी की नज़र से मतलब सही हो जाएगा, है ना? यही नज़र आ रहा है इस रीडिंग में। कैसी लगी रीडिंग बताइएगा ज़रूर, रीडिंग का फीडबैक ज़रूर देना। कमेंट सेक्शन में पिन कमेंट पे एक फ्री रीडिंग है, इस रीडिंग के बाद वो रीडिंग ज़रूर देखना। ठीक है जी, शुक्रिया, गॉड ब्लेस यू।